चाहिए, उधर का खाना बहुत अच्छा है। हाँ, खाना उनको ही अच्छा लगना चाहिए जिनको मोटापा नहीं चढ़ता। बाकियों को थोड़ा दूर रहना चाहिए इन सब खानों से। आपको सर, मैं तो मोटा नहीं हुआ उधर के खाने में। बढ़िया है। आपको दिल्ली की याद नहीं आती? दिल्ली की याद आती है यार, अभी सिचुएशन तो इतनी अच्छी नहीं है। घर जाते भी हैं कुछ दिन के लिए, लेकिन वो अब लगता ही नहीं, वो सेम शहर है। ऑनेस्टली मतलब, हाँ बहुत, आई थिंक सब लोगों को मिलके इस चीज को देखना चाहिए, क्योंकि हमारे वहाँ एटीट्यूड क्या है ना कि हाँ सब तो कर रहे हैं, तो फिर कोई चेंज नहीं हो सकता। सब कर रहे हैं तो फिर तो खराब ही होगा। सर, जब आप ग्राउंड पे होते हो और ग्राउंड से बाहर होते हो, तो क्या डिफरेंस महसूस होता है? डिफरेंस कुछ नहीं, मतलब ग्राउंड पे क्या है कि आपको यहाँ पे मुझे कोई प्लानिंग नहीं करनी, मैं आराम से आप लोगों से बात कर रहा हूँ रिलैक्स होके, ना तो मुझे सोचना है कि बॉलिंग क्या हो रही है, फील्ड क्या, मतलब कोई ऐसा स्ट्रेटजी बनानी नहीं है। तो उसमें क्या है, थोड़ा रिलैक्स रहता है आदमी। वहाँ पे जब आपको डिसीजन लेने होते हैं या आप मोमेंट में खेल रहे हो, तो अपने आप इंटेंसिटी ऊपर हो जाती है, क्योंकि आपको पता है कि वो एक एक पल का गेम है, एक एक मोमेंट का गेम है, अलर्ट और स्पेशली बैट्समैन का, और एक भी गलती हुई तो सीधा बाहर, तो फोकस बहुत रहना पड़ता है। तो उसमें क्या है कि आप इंटेंसिटी ऊपर हो जाती है, बट नॉर्मल में तो हंसी मजाक चलता रहता है, हम तो हैं दिल्ली से। तो फिर आप अपने फिटनेस को कैसे मेंटेन करते हो और क्या खाते हो, क्या नहीं खाते प्रेफर करते हो? थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है अपनी डाइट का। हाँ। कि सबको पता ही होता है जो चीज़ें आपकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं होती, सबको पता होता है, बस अवॉइड करना ही मेन चीज़ है कि आप कितना उसको कंट्रोल कर सकते हो। जो एक अर्ज होती है सबको कि अच्छा कुछ दिखा, पूड़ी छोले दिखे, ऐसा कुछ खा लिया। हाँ। तो वो अगर अपनी अर्ज को कंट्रोल कर लो तो फिर हो जाता है सब कुछ, धीरे धीरे हो जाता है। और जिम वगैरह आप रेगुलरली करते? हाँ, जिम तो मतलब मेरे प्रोफेशन की वजह से ही मुझे करना ही पड़ता है, बट अब तो मेरा शौक हो गया, मतलब अगर मैं प्रैक्टिस नहीं भी करूँगा तो भी चलेगा, लेकिन मैं जिम ज़रूर करता हूँ। तो वो एक आई थिंक सबकी लाइफ में एक वो एक फिजिकल जो अपनी फिटनेस करने का एक तरीका होना चाहिए, या तो जिम जाने का शौक हो, या बाहर आउटडोर रनिंग करो, या कोई भी स्पोर्ट खेलो। तो मुझे ऐसा लगता है सबकी लाइफ में ये होना चाहिए एक्टिविटी रोज। अच्छा ये बताओ, आप टीमें कैसे बनाते हो अपनी एमपीएल पे?15% उनका एवरेज गिर रहा है ओपनर्स का, तो मैंने इस बार मयंक अग्रवाल एंड रोहित शर्मा को दिल पे हाथ रख के उनको स्किप किया एंड आपको कैप्टन बनाया, रहा ने भी लिया एंड पुजारा लिया एंड Okay. मैंने इतना भी सोचा कि अश्विन को मुझे ड्रॉप करना पड़ेगा एंड रहा ये जडेजा को भी एंड मैंने ईशान शर्मा को लिया। इतना एनालिसिस तो हम नहीं कर पाते। तो वो लास्ट जो उसका रिकॉर्ड रहता है, स्टैट्स रहते हैं, उनको एनालाइज करके कि क्या हम नेक्स्ट में उतार सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं, तो अकॉर्डिंग उसके। तो आप करंट फॉर्म देखते हो प्लेयरों की? करंट फॉर्म देखते हैं, जैसे डे नाइट हो गया तो पहले मैचेस में क्या हुआ है। हाँ, तो मतलब प्रॉपर बैठ के आप लोग प्लानिंग करते हो उसके बाद, ये तो एनालिसिस नहीं हो सकता इस चीज का, वो तो चांस की बात है। दोनों सिचुएशंस ऐसी थी कि